प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज पुनः पांच करंट के टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो आपके होने वाले आगामी एग्जाम 15 दिसंबर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अतः आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, चूँकि अब एग्ज़ाम का डेट सब कुछ आ गया है कि एनटीपीसी ग्रुप डी का 15 दिसंबर से नोटिफिकेशन है उसका, एग्जामिनेशन का, और एसएससी वगैरह का भी आ गया है। इसलिए अब आपको टच में रहना ही पड़ेगा जो कि करेंट में क्या घट रहा है, और हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह भी क्या कर रहे हैं कि सिलसिलेवार ढंग से सब लाने वाले हैं। तो आप लोग इसको देखें और जानें कि क्या आज वीडियो का आज इसका क्वेश्चन का क्या इसका विश्लेषण कहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। यह संस्था क्या करती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं सभी के बीच में शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साइंटिफिक जितने भी कल्चरल वर्क होते हैं उस पर काम करती है। तो यूनेस्को नामक संस्था ने भारत में सुनामी का लहर समुद्र किनारे आता है, सुनामी जो होता है समुद्र में ज्वार जैसे होता है, ज्वार भाटा टाइप का निकलता है, तो उसमें बहुत जान माल की बहुत क्षति होती है। तो यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया गया है, मतलब कौन से राज्य में सुनामी को लेकर के समुद्र में जो ज्वार भाटा निकलता है, जो भूकंप निकलता है, उसका जो वेव बहुत लंबा लंबा हो जाता है और बहुत क्षति करता है या समुद्र किनारे होता है, तो वह तैयारी करने वाला कौन सा राज्य बना है यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। सुनामी में क्या तैयारी हो सकता है कि सुनामी कब आने वाला है इसका पहले पता हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि मछुआरे लोग जो समुद्र के बीचों बीच जाते हैं उनको रोका जाए, यही सब तैयारी होता है। और इसको जैसे कि सुनामी आने का रहता है तो जितने भी एरिया हैं जहां तक पहुंच सकता है उसको खाली करवाया जाता है। इस सब तैयारी करने वाला कौन सा राज्य पहला बन गया है यूनेस्को के द्वारा, यह बना है उड़ीसा। यह राज्य बनने वाला कौन है, उड़ीसा है। उड़ीसा जो राज्य है जिसकी स्थापना बिहार से अलग होकर 36 में बना, इसकी स्थापना, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, जिसके सीएम नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर अभी गणेशी लाल हैं। तो किस राज्य को पहला राज्य घोषित किया है उड़ीसा, इसके बारे में, उड़ीसा के बारे में कुछ आपके बताए कि इसमें क्या होगा, कि यह आपको एक्स्ट्रा रूप से आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगा। अब हम थोड़ा जान जाते हैं किसके बारे में, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन आता कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, उसकी स्थापना कब किया गया था, उसका मुख्यालय कहाँ है, अब उसके अध्यक्ष कौन है, बहुत आता है क्वेश्चन, तो इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर पेरिस है। इधर नोट डाउन करेंगे, पेरिस कहाँ पड़ता है? तो पेरिस पड़ता है फ्रांस में। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में है आंद्रे एजोले। उन्हीं एक ही क्वेश्चन से आपका 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गया। पहला तैयार क्या हुआ कि यूनेस्को ने किस राज्य को, भारत किस राज्य को सुनामी तैयारी को लागू करना वाला पहला राज्य बना है, तो वह बना है उड़ीसा। इसके बारे में पढ़ लिए कि उस 36 में इसकी स्थापना हुआ था, राजधानी इसका भुवनेश्वर है, इसके सीएम अभी नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। यूनेस्को के बारे में थोड़ा पढ़े, इसकी स्थापना 1946 से पढ़े, हेड क्वार्टर पेरिस पढ़े, अध्यक्ष आंद्रे एजोले पढ़े, ये सब आप लोग नोट करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए, देखिएगा, किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना पहला शुरू किया है, और दूसरा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू किए करने वाला कौन सा राज्य बना है? इसका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा जिसकी राजधानी आपका चंडीगढ़ है, जिसके सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर अभी हैं सत्यदेव नारायण आर्य। क्या होगा इस योजना के अंतर्गत? पहला होगा कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में क्या होगा कि बीपीएल श्रेणी के वर्ग के लोग बिलो पॉवर्टी लेवल मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किशोरी और महिलाओं जिसकी एज 10 साल से 45 साल के बीच में है, उनको मुफ्त में सैनिटरी पैड देने की योजना सरकार की है। मतलब जो बीपीएल अपने सम्मान के लिए जो सैनिटरी पैड वगैरह नहीं खरीद पाते थे, पैसे नहीं होते थे, उनको क्या करेगा इस योजना के तहत 10 वर्ष से 45 वर्ष की महिला और किशोरी को सैनिटरी पैड मुफ्त दिया जाएगा। और दूसरा योजना कहता है कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा कि 0 वर्ष से, मतलब जो जन्म हुआ है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। दो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया है। पहला क्या है कि 10 से 45 वर्ष की किशोरी एवं महिलाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क दिया जाएगा, और दूसरा 0 से 6 वर्ष मतलब जो अभी जन्म लिया है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क दूध
उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कौन सा राज्य हुआ? हरियाणा। अगला है कि भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका कहने का अर्थ हुआ कि ट्रेन बहुत ही विलंब से आ रहा है, जिस ट्रेन को पहुंचने का टाइम अगर 9 बजे है दिन में, तो एक घंटे, दो घंटे, चार घंटे, पाँच घंटे, छः घंटे, 10 घंटे लेट आ रही है। तो इस पर निगरानी करने के लिए, क्या किया जा रहा है? एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है OHE ऐप। इसका फुल फॉर्म हुआ ओवर हेड इक्विपमेंट्स। क्या होगा इसमें? इस ऐप की मदद से रेल के वास्तविक समय की निगरानी की जा सकेगी। इससे क्या होगा कि टाइम टाइम पर ट्रेन आएगा, तो यात्रियों को भी इंतज़ार कम करना पड़ेगा, वेटिंग कम करना पड़ेगा, उनको भी सुविधा होगी। तो इसी सुविधा के लिए इस ऐप का नाम रखा गया है OHE ऐप, ओवरहेड इक्विपमेंट्स। अब रेलवे के बारे में जान जाते हैं कि इसकी स्थापना 1953 में हुआ, इसका हेड क्वार्टर अभी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष, रेलवे का अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव इसके अभी कौन है? अध्यक्ष हैं। और इसके मंत्री अभी पीयूष गोयल हैं। ये हुआ भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है, OHE ऐप। अब है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू, कहने का मतलब काजू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। मतलब किसानों को काजू के उत्पादन में क्या करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि या मुनाफा देने के लिए किसानों को किस राज्य सरकार ने ऐप लॉन्च किया है? यह है कर्नाटक। जिसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। कर्नाटक ने क्या किया है कि काजू उत्पादन करने के लिए क्या किया है, ऐप लॉन्च किया है, जिसे किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया जाए। अगला है कि भारत किस देश में होने वाले कवकाज सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास में दोनों, दो देश के बीच में सैन्य अभ्यास है, उसका नाम है कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा, वो है रूस। रूस में एक सैन्य अभ्यास होने वाला है, उसमें भारत क्या करेगा, हिस्सा लेगा रूस में ही। जिसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को।
जिसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो किस देश में होने वाले कवकाज, याद नाम याद रखना है, ये कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा वह किस देश में है, ये होगा वह रूस में होगा, रूस में होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को ने, यूनेस्को के बारे में आपको बताया गया, बताया यहाँ पर कि यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ने भारत में सुनामी के लिए तैयारी करने वाला किसे पहला राज्य घोषित किया है, तो वह राज्य है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू किया है, वह राज्य है हरियाणा। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए, मतलब ट्रेन के लेट लतीफ को दूर करने के लिए कौन से ऐप लॉन्च किया है, यानी लेट से मुक्ति दिलवाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, वो है OHE ऐप, ओवर हेड इक्विपमेंट्स। अगला है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू या काजू इंडिया ऐप लॉन्च किया है, वह कौन राज्य है, कर्नाटक। भारत किस देश में सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में क्या करेगा, हिस्सा लेगा, वह देश है रूस। तो यह था आपके सामने आज का करंट अफेयर आपके सामने रखे। उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए 2-3 महीने का ही, देखिए अब ऑनलाइन क्वेश्चन हो गया है, तो 5-6 महीना या हो सकता है कल घटे आज आ जाए, इसके बारे में ऐसा भी है कि अब प्रिंटेड क्वेश्चन तो आना है नहीं, अब तो ऑनलाइन क्वेश्चन आना है, तो ऑनलाइन क्वेश्चन में कल का करंट भी आ सकता है, 6 महीना पहले का भी आ सकता है, साल भर के पहले किया जा सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिए कि आपको कहीं से भी करंट दे सकता है। इसके लिए 2-3 महीने के आपके पास टाइम है, जो आज से ही अगर स्टार्ट करते हैं या जो अभी आपको दिया गया है उस वो भी पूरा आपको 30-31 वीडियो आपका करंट में बना हुआ है, वो अगर आप पूरी तरह से तैयार करते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा आपको मदद मिलेगा एग्जामिनेशन में। इसीलिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं कि आप एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, सभी का, SSC का, रेलवे का, सभी का आ चुका है। इसीलिए अब आप लोग घर से ही या जैसे भी हो आप लोग तैयारी में लग जाएं। बात के साथ आज का क्लास को यहीं समापन करते हैं, मिलते हैं पुनः कुछ नए 5 करंट के साथ, के लिए धन्यवाद।